अरे आओ आओ प्रेम, क्या हाल है? कैसा है तू? बिल्कुल बढ़िया, क्या हाल चाल? एकदम ठीक, एकदम ठीक। नमस्कार अंकल। नमस्ते बेटा, कैसे अपना? बहुत अच्छा। बैठो बैठो, बिल्कुल बढ़िया। भाई दूज के लिए कुणाल रोहिणी के लिए जूली लेना चाहता है, तो मैंने सोचा तुझसे मिलने का अच्छा मौका भी है। अच्छा हुआ तू आ गया। ये देखो बेटा, नया फेस्टिव कलेक्शन आया है, कुछ ऐसा चलेगा? अरे तू घर क्यों नहीं आता? अरे दुकानदारी के बारे में तो तुझे पता है, फुर्सत कहाँ मिलती है यहाँ से। तू तो बड़ा आदमी बन गया। अरे सीजन का भी टाइम है। वैसे अंकल रोहन कहाँ है? आई वाज होपिंग टू सी हिम। अब ये मत कहना कि गोलगप्पे खाने गया, गया तो फिर मेरे लिए दो चाट मंगा लो। अरे रोहन का क्या बताऊं, बड़ा आदमी बन गया, बड़ी बड़ी बातें। दैट्स नाइस। हाँ है तो अच्छी बात, पर बोलता यहाँ दुकान पर नहीं आएगा। क्यों? He's starting a new business. I love entrepreneurs, uncle. You know what? This is the new age trend of startups and everything. चुप कर यार। करना तो यही चाहता है, इसकी अच्छी समझ है उसे, मुझसे बेहतर परख है, पर अपनी धरोहर नहीं समझता। बोलता है मॉल में नई दुकान शुरू करेगा और वहीं से यही बिजनेस करेगा। अब तू बता, मॉल में कौन जाता है ज्वेलरी खरीदने? सही कहा तूने, आजकल की जनरेशन ये बात नहीं समझती है। ज्वेलरी खरीदने सालों से लोग चांदनी चौक आते हैं। अब चांदनी चौक में मॉल कहाँ? नहीं वैसे चांदनी चौक में बन रहा है नया मॉल, वहीं जाने की बात कर रहा है। चांदनी चौक में कहाँ? यही दो गली आगे, शीशगंज गुरुद्वारे के बिल्कुल सामने। चल देखते अभी अभी, अभी। ओमैक्स चौक है तो अच्छा, लेकिन यार सालों से हमारी पुश्तें वहां दुकान पे बैठी हैं। यहाँ मॉल में शिफ्ट होने से बिजनेस ठप हो जाएगा। हाँ ठप हो जाएगा। अगर तू यहाँ नहीं आया तो एक बार ये मॉल खुल गया ना तो इन गलियों में कोई नहीं आएगा। रोहन फ्यूचर की सोचा, 50 साल आगे की सोचा, तू 50 साल पीछे अटका हुआ है। यहाँ आने से सोशल स्टेटस और लाइफस्टाइल दोनों अपग्रेड हो जाएगा। बेटी की बात मान लेगा तो बेटा बाप नहीं बन जाएगा, बाप फिर भी तू ही रहेगा।